नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्दर ब्रिटेन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। श्री महावीर जी कस्बे में एक महिला के गले से सोने की मटरमाला में पेंडल लगा हुआ था, जिसे मोटरसाइकिल पर दो चोर तोड़कर ले गए। घटना की रिपोर्ट श्री महावीर जी थाने में दर्ज करवाई गई है, जिसे पुलिस अधीक्षक करौली मृदुल खचावा के निर्देशन में श्री महावीर जी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर महिला के गले से चुराई गई सोने की मटरमाला में पेंडल को बरामद किया गया। दोनों शातिर बदमाशों के विरुद्ध करौली व सवाई माधोपुर के गंगापुर, हिंडौन व श्री महावीर जी थानों में कई चोरी, लूट और अवैध की योजनाओं के आधी वर्ष से दर्जन भर मामले दर्ज थे। श्री महावीर जी थाना अधिकारी धर्म सिंह गुजर ने बताया कि मुस्तीज अंतर सिंह पुत्र हरवीर गुजर निवासी चांदन गांव ने महावीर जी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी भाभी सोमा महावीर जी से चांदन गांव जा रही थी, तभी देवनारायण मंदिर के पास से मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने गले से सोने की मटरमाला में पेंडल तोड़ ली थी। पुलिस अधीक्षक करौली मृदुल कच्छावा के निर्देशन से एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसके बाद जिसमें थानाधिकारी के अलावा गोटेलाल मीणा, सहायक थानाधिकारी देशराज, नगेंद्र पाल, बहादुर मुरारी हेमराज आदि की टीम द्वारा मोटरसाइकिल नंबर के मालिक और मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लुटेरों को पकड़ा गया और दोनों के साथ में बाइकों को भी जब्त किया गया और साथ में उस माला को भी जब्त करा गया। राजस्थान के बीकानेर में रविवार को दम घुटने से 5 बच्चों की जान चली गई। मृतकों में 4 सगे भाई बहन है, सभी की उम्र 8 साल से कम है। हादसा बच्चों के लुका छुपी खेलने के दौरान हुआ था। बच्चे छिपने के लिए घर में रखी अनाज की कोठरी में बंद हो गए थे। इसके बाद कोठरी का ढक्कन अचानक से बंद हो गया। दम घुटने से सभी की मौतें हो गई। 4 बच्चों की माँ बच्चों को तलाशते हुए कोठरी में पहुंची, तभी 5 बच्चों की लाश देखकर वो बेसुध हो गई। इनमें 4 बच्चे सगे भाई बहन थे। पिता की 3 बेटियां और 1 बेटे का सोमवार को ही अंतिम संस्कार किया गया। वहीं ननिहाल से आई एक अन्य बच्ची माली के परिजन उसका शव लेकर चले गए। सरकारी अस्पताल से जब 5 बच्चों के शव बाहर निकले तो गाँव का हर शख्स फफक पड़ा। दादा घर पर बैठे बैठे हर 2-4 मिनट में पोते पोतियों का नाम लेकर रो पड़ते हैं। माँ को तो सुध ही नहीं कि उसके घर पर हो क्या रहा है। मजदूरी करने वाला पिता कभी दीवार को हाथों से मारता है तो कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ता है। गांव में एक ही स्थान पर चारों भाई बहनों को अलग अलग लेकिन पास पास दफनाया गया। इसी दौरान बच्चों का पिता पूरी तरह से बेसुध हो गया। यह घटना पूरे गाँव पर व्रजपात जैसी है। जयपुर के जोबनेर ग्रामीण में एएसपी शंकर दत्त शर्मा को मिली बड़ी सफलता। जोबनेर थाना क्षेत्र में कैंपर से कुचलकर हत्या करने मामले में फरार चल रहे आरोपी सुरेश सुंदा को पुलिस ने टोंक से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी ने 15 मार्च को कैंपर से कुचलकर गौतम वर्मा नाम के युवक की हत्या कर दी थी। थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई है। इसमें आपको बता दें कि जोबनेर के बांडिया का बास गाँव में कैंपर से कुचलकर युवक की हत्या का ये जो मामला है, इसमें एडिशनल एसपी दूदू ज्ञान प्रकाश नवल ने पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सीकर जिले से उसके पास जो कैंपर था उसको बरामद किया। साथ ही साथ साइबर सेल व डीएसटी की टीम काफी सराहनीय भूमिका में रही। 15 मार्च को हत्या के बाद से फरार आरोपी की अलग अलग जगहों से लोकेशन आ रही थी। आखिर में उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के रामगढ़ थाने में कल रामगढ़ निवासी प्रेमचंद सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि चौपड़ बाजार से जब युवक मेडिकल की दुकान से दवाई ले रहा था, तब उस समय उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। युवक ने जल्द ही कार्यवाही करने की मांग की है। इस पर कार्यवाही करते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम, डीएसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिलों की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए धरपकड़ अभियान के तहत रामगढ़ थाना अधिकारी को निर्देश दिए गए। इस पर कार्यवाही करते हुए थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने बताया कि अलवर दिल्ली मार्ग पर बेरेबास मोड़ के समीप थाना पुलिस की नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोक लिया गया और कागजात की जांच की तो उसमें चोरी की मोटरसाइकिल पाई गई और उसके बाद जो मोटरसाइकिल पर चालक थे पीछे बैठे हुए दोनों उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे युवक सोनू सिंह उर्फ सुक्का उर्फ डीसी, गुरमीत उर्फ कालू निवासी गड़तेसकी थाना सीकरी भरतपुर, दोनों को गिरफ्तार किया और उनसे जांच के बाद दो हैवी मोटरसाइकिल उनके घर से बरामद की गई। पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के सदस्य हैं और रामगढ़ दिल्ली गुड़गावा क्षेत्र से हैवी मोटरसाइकिलों को चोरी कर सस्ते दामों में बेचने का कार्य करते थे। और जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में विप्र कल्याण बोर्ड गठन के साथ संत को देवस्थान विभाग का चेयरमैन बनाने की मांगों को लेकर संत समाज विप्र बंधुओं की ओर से आज आक्रोश रैली निकाली गई।
रैली में संत समाज के साथ विप्र महासभा और ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सहित कई नेता भी मौजूद रहे। संत समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता व रघुनाथ धाम रामानुज आश्रम पंचार पीठ के स्वामी सौरभ राघवेंद्र के नेतृत्व में आक्रोश रैली जयपुर के शहीद स्मारक से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक निकाली गई। संत समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ राघवेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कई वर्षों से राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को ही देवस्थान विभाग का चेयरमैन बनाया जाता रहा है, फिर भी देवस्थान के कार्य क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हुई है। संत समाज की सिर्फ मांग है कि देवस्थान विभाग का चेयरमैन केवल संत समाज से ही जुड़े व्यक्ति को बनाया जाए, जिससे देवस्थान से जुड़े कार्य उचित तरीके से हो सके और देवस्थान विभाग का कल्याण हो सके। वहीं विप्र कल्याण बोर्ड के गठन से प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को बड़ी राहत मिली है। विप्र महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया ने बताया कि ब्राह्मण समाज की ओर से विप्र कल्याण बोर्ड गठन और EWS कैटेगरी को छूट सहित अन्य मांगों को लेकर विप्र महासभा सहित कई ब्राह्मण संगठनों की ओर से लगातार ज्ञापन, धरना, अनशन आदि भी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज की मांगों पर आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर ब्रेटिन। नमस्कार।